स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम हाउस प्लान पे। आज हम देखेंगे 15x30 का घर का नक्शा जिसकी टोटल एरिया 450 स्क्वायर फीट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका फेस हो जाएगा, ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है और ये जो है आपका रोड है और यहाँ से जो है मेन डोर दिया गया है, मेन एंट्री। और ऐसे अंदर जाएंगे तो आपका यहाँ पे स्टेयर मिलेगा, ऐसे क्लॉकवाइज बनाया गया है वास्तु के अनुसार। और यहाँ पे जो है गेस्ट रूम है एक। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो ये इसके बगल में किचन बनाया गया है, इसके बाद इसके बगल में जो है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ बनाया गया है। और यहाँ पे एक OTS बनाया गया है ओपन टू स्काई वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि जो है दोनों तरफ जो है तीनों तरफ घर है इसीलिए वेंटिलेशन जो है विंडो का ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बड़ा वाला बेडरूम बनाया गया है। तो आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है डेली ऐसे प्लान लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसका साइज। तो सबसे पहले मेन डोर का साइज़ देखते हैं। तो ये आप लगा लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है 4 फीट चौड़ा मेन डोर लगाइए, ताकि कोई पार्किंग में दिक्कत ना हो उसमें, तो मोटरसाइकिल वगैरह पार्क करते हैं तो इसमें। और यहाँ से यहाँ तक 4 फीट रहेगा और टोटल जो दूरी है 5 फीट रखा गया है टोटल जो है। जी हाँ, 5 फीट है, 5 फीट में जो है सीढ़ी बनाया गया है टोटल, और 4 फीट का डोर रहेगा इसमें। देखने में भले से ऐसे ना हो, यहाँ तक 4 फीट आएगा, तो 5 फीट का हो गया आपका चौड़ा स्टेयर। और प्रत्येक स्टेयर जो है आप 2.5 फीट रखिए, 2 फीट 6 इंची का जो है स्टेयर रखिए ऐसे क्लॉकवाइज। इसके बाद से जो है पैसेज एरिया में आते हैं, तो पैसेज एरिया जो है आपका 2.5 फीट रख सकते हैं इसको, 2 फीट 6 इंची जो है पर्याप्त है आने जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेयर के नीचे जो है आपका जगह जो बच रहा है उसके नीचे जो है मैंने स्टोर बना दिया है, स्टोर रूम बन जाएगा इसके नीचे, स्टेयर के नीचे जो है स्टोर रूम बन जाएगा। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं इस वाले बेडरूम में। तो इस वाले बेडरूम का साइज देख ही लेते हैं। तो ये रहेगा आपका 10 फीट ऐसे रहेगा और जो है 8 फीट 8 इंची जो है आपका ऐसे रहेगा। और इसका डोर का साइज हो जाएगा 3 फीट 6 इंची का जो है डोर रखा गया है। इसके बाद से आते हैं किचन में। तो किचन जो है हमारा ओपन किचन है, हॉल में बनाया गया है ऐसे ओपन किचन। यहाँ पे चूल्हा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका बेसिन हो जाएगा। तो किचन जो है आप मतलब पूरब की तरफ मुंह करके जो है खाना वाना बनाया जाएगा इसमें वास्तु के अनुसार जो है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉमन टॉयलेट एंड बाथ बनाया गया है जिसका साइज जो है, तो किचन का साइज देखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 5 फीट बाई 8 फीट का किचन हो जाएगा, 8 फीट 8 इंची जो है। कॉमन टॉयलेट का साइज हो जाएगा 4 बाई 6 का जो है कॉमन टॉयलेट है। और ये जो है आपका 2.5 फीट बाई 2 फीट 4 इंची चौड़ा है और 4 फीट जो है मतलब ऐसे है गहराई में OTS जो है। इसके बाद इस वाले डोर पे आते हैं तो ये रहेगा आपका 3 फीट 6 इंची रहेगा ये। और रूम का साइज रहेगा 14 फीट 2 इंची बाई 9 फीट, यानी 14 फीट 2 इंची ऐसे और 9 फीट जो है आपका वैसे रहेगा। और इसके बाद से हाल का साइज देखते हैं। तो हाल जो है 5 फीट चौड़ा रहेगा, यहाँ से 5 फीट बाई 9 फीट 5 इंची जो है हाल रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो कैसा लगा आज का प्लान कमेंट में बताइए। और इसमें जो है टोटल जो है 8 कॉलम या फिर 9 कॉलम जो है लगेंगे, 8 या 9 कॉलम, मतलब एक कॉलम यहाँ पे लगाइए या ना लगाइए, मतलब यहाँ पे लगा रहे हैं आप लगा रहे हैं, यहाँ पे बस एक कॉलम अधिक हो रहा है। तो इसमें जो है आप 8 कॉलम लगा सकते हैं, 8 या 9 कॉलम, 8 या 9 9 बाई 9 का लगाइए कॉलम, 9 इंची बाई 9 इंची का। तो कैसा लगा प्लान, अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।